बड़े प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि अगर वो कभी म्यूजिक पर कोई फिल्म बनाएंगे तो उसमें आपको हीरो रखेंगे और फिल्म का नाम रखेंगे चोरी नंबर वन। मेरे पीछे मीडिया पड़ जाता है, कॉपीकैट बोलता है, चोरी नंबर वन बोलता है, फिल्म बनाएगा। मैं ये पूछता हूँ, आर डी बर्मन डिड दैट, शंकर जयकिशन डिड दैट, अगर अन्नूमलै ने कोई चीजें अगर अडैप्ट की हैं तो क्या प्रॉब्लम है? अभी अन्नूमलै साहब एक और म्यूजिक डायरेक्टर है। सर एक मिनट, मैं अभी मूड में आके आपको बताना चाहता हूँ। लेट मी सिंग द सॉन्ग। You are the theme for my dream, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, it's a hoo-ba-hoo song. आप वो गाना ले लेते हैं और उसका रिव्यू आता है वेरी वेल अडैप्टेड। व्हाई सर, व्हाई मी चोरी एंड व्हाई दैट अडैप्शन? और अन्नूमलै ये गाना, अरे यार से चोरी किया, छोड़ो यार, आई एम एन अचीवर, ताली बजाओ मेरे लिए। उदित नारायण जैसा सिंगर, बहुत सारे गाने उन्होंने आपके साथ गाए थे। दीवाना कर गए फिल्म के रिकॉर्डिंग के दौरान आपने उन्हें बाहर निकाल दिया। अब क्या होता है, जब मैं काम करता हूँ ना, आई वॉन्ट इट राइट कि और अच्छा गाओ, ये मुखड़ा इस तरह गाओ, ये इस तरह गाओ, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी जो मेरे दिल को लग गई। आप उदित नारायण को बाहर निकाल सकते हैं, आप हिमेश रेशमिया के बारे में कुछ कह सकते हैं, आप भूषण कुमार से नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं उनसे आपकी कभी लड़ाई नहीं होती। मैं औरतों को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आशिक हूँ, मैं अय्याश नहीं। और मैं जरूर कहूँगा, अपन बोला वो मेरी लैला, और वो ही बोली झूठ बोलता है साला। अनु जी, मैं तो सिर्फ इतनी बात नोटिस कर रहा हूँ कि लड़कियों का नाम लेते आपकी आंखों में चमक आ गई और गाने खुद ब खुद निकलने लगे। पट परिवार के साथ सुपरहिट गाने दिए, लेकिन उन्होंने दोबारा आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। ओके okay. सुभाष घई, सुभाष घई के साथ आपने यादें की, सुपरहिट गाने दिए, लेकिन सुभाष घई ने आपको दूर से सलाम कर दिया। मेरी वैल्यू का पता लगेगा लोगों को जब तक मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। अन्नूमलै की खुशबू तो याद आएगी, उनको फिर आ जाते हैं, एंड आई एम प्राउड टू एक्सेप्ट देम बिकॉज आई लव देम, आई कैन नॉट हेट देम, दैट्स इट।